एवरीवन, इस वीडियो में हम आज लर्न करेंगे रोल्स ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स, जहाँ जिसको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोफेशनल नर्स। अगर हमें ये क्वेश्चन आता है, राइट द रोल्स ऑफ प्रोफेशनल नर्स या राइट द फंक्शंस ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स, तो हम ये रोल्स लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो रोल है या फर्स्ट फंक्शन है केयर प्रोवाइडर। तो जो नर्स है, प्रोफेशनल नर्स है, वो केयर प्रोवाइड करती है। तो केयर जो है वो क्यूरेटिव केयर या प्रिवेंटिव केयर या प्रमोशनल केयर या फिर हेल्थ केयर जो है वो प्रोफेशनल नर्स प्रोवाइड करती है। तो केयर जो है वो पेशेंट को, फैमिली को, कम्युनिटी को, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको, जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करती है केयर, जो ओल्ड एज पर्संस हैं उनको केयर प्रोवाइड करती है, जो एंटीनेटल मदर्स हैं या पोस्टनेटल मदर्स हैं उनको केयर प्रोवाइड करती है। सेकंड है रोल या सेकंड फंक्शन है एजुकेटर। तो जो नर्स है, प्रोफेशनल नर्स जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जो फैमिली है उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, कम्युनिटी में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, ग्रुप्स में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये फंक्शन है एजुकेटर। नेक्स्ट है एडवोकेट। तो जो प्रोफेशनल नर्स है वो एक एडवोकेट की तरह एक्ट करती है, मतलब कि जो पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या पेशेंट की जो नीड्स हैं उनके बीच में जो है वो एडवोकेसी करती है, और जो भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रोफेशनल नर्स काम करती है, फंक्शन करती है। नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजर। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जो नीड्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो भी उसका काम है या जो भी रोल है या जो भी उसको काम दिया जाता है, तो वो उनको अच्छे से मैनेज करती है। तो एक्ट एज ए मैनेजर। तो वो जैसे हेल्थ टीम की मैनेजर के रूप में भी काम करती है, जो पेशेंट है या फैमिली है उसकी जो नीड्स हैं उनको फिलफिल करने के लिए भी उनको मैनेज करती है, जो पेशेंट की कंप्लेंट्स हैं उनको भी मैनेज करती है, जो पेशेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी मैनेज करती है। तो प्रोफेशनल नर्स एक्ट एज ए मैनेजर। नेक्स्ट फंक्शन है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर मींस दूसरों के साथ मिल के काम करना, या जो भी हेल्थ टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ मिल के काम करना, जहाँ दूसरी एजेंसीज़ हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कि पेशेंट का बेनिफिट है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है, तो दूसरी एजेंसीज़ के साथ मिल के काम करना, जहाँ दूसरे जो प्रोफेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट हो के काम करना। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्स, कोलैबोरेटर। नेक्स्ट फंक्शन है लीडर। तो प्रोफेशनल नर्स जो है वो एज ए लीडर भी फंक्शन करती है, एज ए लीडर भी काम करती है। तो जो उसका उसकी टीम है, टीम लीडर के रूप में भी काम करती है, और जो बाकी टीम लीडर के टीम सॉरी हेल्थ टीम के जो मेंबर्स हैं उनको भी लीड करती है, जो फैमिली है, फैमिली जहाँ कम्युनिटी है उनकी भी लीडर के रूप में काम करती है। तो ये फंक्शन है लीडर। तो नेक्स्ट फंक्शन है रिसर्चर। तो प्रोफेशनल नर्स जो है वो दूसरे आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस जो हैं उनके लिए भी रिसर्च वर्क जो है वो करती है, और एज ए रिसर्चर भी उसका फंक्शन है या एज ए रिसर्चर भी उसका रोल होता है। सो दीज आर द रोल्स और फंक्शंस ऑफ प्रोफेशनल नर्स, केयर प्रोवाइडर, एजुकेटर, एडवोकेट, मैनेजर, कोलैबोरेटर, लीडर, रिसर्चर एंड कम्युनिकेटर। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।